आज है 9 दिसंबर 2022, और 9 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी अचलेंद्र रेड्डी। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDDB एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक सहायता प्रदान करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। NDDB एंड अमूल श्रीलंका देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। अर्जुन रंगतुंगा को श्रीलंका खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फेलिटॉफ सूची में शामिल हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गौतम अडानी। गौतम अडानी फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फेंटे सूची ट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। भारत और जर्मनी देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट, 13वीं पीटर्सनबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में हुई है। पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता ओफाल सोल्ज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन ने कहा तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर में अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट, IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। भारत की भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नेत्रकणी केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 दिसंबर। हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व
कहाँ बनेगा? राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।